સચિન તેંડુલકરે કરી છે અપીલ કે આપણી સરકારે આપણે બધાને આગલા 21 દિવસ સુધી ઘર ન છોડવાની વિનંતી કરી છે, છતાં પણ ઘણા લોકો આ સૂચનાનું પાલન કરી રહ્યા નથી અને આ મુશ્કેલ સમયમાં આપણા બધાની ફરજ છે કે આપણે ઘરોમાં રહીએ અને આ સમય આપણા પરિવાર સાથે વિતાવીએ અને કોરોના વાયરસને નાબૂદ કરીએ. નમસ્તે. અમારી સરકારને ઓર દુનિયાભર કી હેલ્થ એક્સપર્ટ્સને હમસે રિક્વેસ્ટ કી હૈ કે હમ ઘર પર રહે और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो हम बाहर ना जाए. लेकिन फिर भी कई लोग इसे सीरियसली नहीं ले रहे. मैंने कुछ वीडियोस भी देखे हैं जहां लोग अभी भी बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं. सबको लगता है हम बाहर जाए, दोस्तों से मिले, उनके साथ गेम्स खेले, लेकिन अभी ये देश के लिए बहुत हानिकारक है. याद रखिए, ये दिन छुट्टियों के दिन नहीं है. कोरोना वायरस अगर आग है तो इसे फैलाने वाली हवा हम है. इस वायरस को रोकने का एक ही तरीका है कि हम सब अपने घरों में रहें. डॉक्टर्स, नर्सेस, हॉस्पिटल स्टाफ जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं और उनकी कही हुई बातों को मान सकते हैं. मैं और मेरा परिवार 10 दिनों से हमारे दोस्तों को नहीं मिले हैं और अगले 21 दिन तक भी नहीं मिलेंगे. इसे एक मौका समझिए अपने फैमिली के साथ वक्त बिताने का. आप अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को और सारी दुनिया को इस वायरस से बचा सकते हैं सिर्फ अपने अपने घरों में रहकर. धन्यवाद.